द टॉपिक वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो इज ब्रोंके लाजमा सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक के अंदर डेफिनेशन ऑफ द ब्रोंके लाजमा डिस्कस करेंगे ब्रोंके लज्मा एक्चुअली इज डिफाइंड एज द क्रोनिक एयर वे इन्फ्लमेशन विच इज एसोसिएटेड विथ एक्सपाइरेटरी एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन एंड करेक्टराइज बाई सिम्प्टम्स सच एज वीजिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कफ एंड चेस्ट एटेडनेस इस पूरे डेफिनेशन को याद करने के लिए हम लोग इस डायग्राम के थ्रू इसको याद कर सकते हैं इस डायग्राम में हम लोगों को ये जो एयरवे है वो इन्फ्लेम्ड एयरवे देखने को मिल रहा है मतलब ये जो एयरवे की जो वॉल है उसका इन्फ्लेमेशन देखने को मिल रहा है एक्सपायरेटरी एयर फ्लो का दैट इज बाहर की तरफ निकलने वाला जो एयर फ्लो है उसका ऑब्स्ट्रक्शन हम लोग इसमें इमेजिन कर सकते हैं एंड इट इज़ करक्टराइज बाई सिम्टम्स जो कि हम लोग याद कर सकते हैं वीजिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कफ एंड चेस्ट टाइटेडनेस सो दिस इज द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ द ब्रोंकियल आजमा इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ द ब्रोंकेल आजमा कमिंग टू द टाइप्स ऑफ द ब्रोंकेल आजमा मेनली हम लोग दो टाइप ऑफ द ब्रोंके आजमा को डिटेल में डिस्कस करते हैं दैट इज ए टॉपिक एंड नॉन ए टॉपिक इसके अलावा दो और टाइप्स ऑफ द आजमा को हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे दैट इज ड्रग इंड्यूस्ड आजमा और ऑक्यूपेशनल आजमा तो सबसे पहले एटोपिक आजमा जो होता है वो वो टाइप ऑफ द आजमा होता है जिसके अंदर पेशेंट के अंदर एलर्जन सेंसिटाइजेशन प्रेजेंट होता है मतलब पेशेंट जो होगा वो एलर्जन एलर्जन के लिए सेंसिटिव होगा और जिस वजह से उसके अंदर आजमा डेवलप होगा वाइल नॉन एटोपिक आजमा केस में पेशेंट के अंदर एलर्जन सेंसिटाइजेशन नहीं होता है मतलब पेशेंट के अंदर एलर्जन रीजन नहीं होता है आजमा के डेवलपमेंट का अब क्योंकि एटोपिक आजमा के अंदर एलर्जन सेंसिटाइजेशन प्रेजेंट होता है सो वी कैन से दैट इट इज अ टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन तो इसके अंदर मेनली टाइप वन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की वजह से यह आसमा डेवलप करता है एंड वी ऑल नो टाइप वन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ आई जी ई मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन और नॉन एटॉपिक आसमा के अंदर क्योंकि एलर्जन का सेंसिटाइजेशन है ही नहीं यह अलर्जन की वजह से हो ही नहीं रहा है सो इट इज नॉट अ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ए टॉपिकजमा मेनली ट्रिगर होता है बाय द एन्वायरमेंटल एलर्जेंस वंस अगेन क्योंकि एलर्जेंस सेंसिटाइजेशन की वजह से हो रहा है ये तो इसको ट्रिगर करने वाले इन्वायरमेंटल एलर्जेंस मेनली डस्ट और पोलन रोल प्ले करते हैं ए टॉपिक के ट्रिगरिंग में नॉन एटॉपिक आजमा जो होता है वो मेनली ट्रिगर होता है बाई द वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस ए टॉपिक आजमा जो होता है वो यूजली बिगिन होता है इन द चाइल्डहुड क्योंकि इसके अंदर जेनेटिक सस्पेक्टेबिलिटी प्रेजेंट होती है जेनेटिक सस्पेक्टेबिलिटी प्रेजेंट होती है इसलिए चाइल्डहुड से ही आजमा के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं पेशेंट के अंदर सो इट यूजली बिगिन फ्रॉम द चाइल्डहुड जबकि नॉन एटोपिक आजमा जो होता है वो किसी भी एज में बिगिन हो सकता है एटोपिक आजमा वंस अगेन क्योंकि इसके अंदर जेनेटिक सस्पेक्टेबिलिटी प्रेजेंट है इसलिए पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री इसके अंदर कॉमन होता है वाइल नॉन एटोपिक आजमा के अंदर पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री लेस कॉमन होता है एटॉपिक ब्रोंकियल आजमा के अंदर स्किन टेस्ट के अंदर पॉजिटिव स्किन टेस्ट देखने को मिलेगा दैट इज व्हील एंड फ्लेयर रिएक्शन देखने को मिलता है क्योंकि इसके अंदर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टू द एलर्जन देखने को मिलता है वाइल नॉन एटोपिक आजमा के अंदर स्किन टेस्ट निगेटिव होता है क्योंकि इसके अंदर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टू द एलर्जन नहीं देखने को मिलता है क्योंकि इस केस में पर्सन एलर्जन के लिए सेंसिटिव नहीं होता है नाउ हम लोग ब्रीफली दो और टाइप के आसमा को डिस्कस करेंगे दैट इज ड्रग इंड्यूस्ड आसमा और ऑक्यूपेशनल आजमा ड्रग इंड्यूस्ड आजमा जिस, आजमा जिसके अंदर मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल होता है एस्पिरिन सेंसिटिव आजमा ये कैसे वर्क करता है तो एस्पिरिन की वजह से आजमा होने का रीजन सबसे ज्यादा कॉमन इसलिए होता है क्योंकि हम लोग को पता है कि जो नॉर्मल प्रोस्टाग्लैंडिन ई टू होता है वो इनिबिट करता है इन्फ्लैमेटरी मेडिएटर्स को अब एस्पिरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ही होता है कि वो साइक्लो ऑक्सीजन दैट इज कॉक्स पाथवे को इनिबिट करता है और कॉक्स पाथवे की वजह से ही पी टू का सिंथेसिस होता है तो अगर कॉक्स पाथवे इनिबिट हो जाएगा तो पी टू का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा और पी टू जिसका फंक्शन ही था कि वो नॉर्मली इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स को इनिबिट करता था तो अब पी टू का ही सिंथेसिस नहीं हो पा रहा है तो इनिबिशन ऑफ द इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स नहीं हो पाएगा जिस वजह से इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स इंक्रीज हो जाएंगे और इस वजह से ब्रोंकियल आसमा का रिस्क इंक्रीज हो जाता है नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशनल आजमा कुछ फ्यूम्स डस्ट एंड केमिकल्स गैसेस इंडस्ट्रियल से जो आजमा होता है उसको हम लोग ऑक्यूपेशनल आजमा कहते हैं सो दीज आर अदर टाइप्स ऑफ द आजमा जो कि हम लोग उतना उतना डिटेल में डिस्कस नहीं करते हैं सो दीज द टाइप्स ऑफ द ब्रॉन्के आजमा इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मेनली पैथोजेनेसिस ऑफ द ब्रॉन्के आज्मा नाउ कमिंग टू द पैथोजेनेसिस ऑफ द आसमा आजमा होता है उसका पैथोजेनेसिस हम लोग डिस्कस करते हैं एक लाइन में अगर हम लोग पैथोजेसॉपिक आजमा को समराइज करें सो इट इज अ टी एच टू मेडिएटेड आई जी ई रेस्पॉन्स टू दायरमेंटलोज इंडिविजुअल

ये एलर्जन जो होता है उसको सबसे पहले जो हमारी सेंटेनल सेल्स लाइक डेंट्राइटिक सेल्स होती हैं वो इसको रिकोगनाइज करती हैं और इसको प्रेजेंट करती हैं टू द टी सेल रिसेप्टर ऑफ द टी एच टू सेल्स को टी एच टू सेल्स जब इस एलर्जन को रिकोगनाइज करता है तो फिर सबसे पहले ये बहुत सारे इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स रिलीज करता है सच एज इंटरल्यूकिन थर्टीन इंटरल्यूकिन फोर और इंटरल्यूकिन फाइव इंटरल्यूकिन थर्टीन जो होता है वो गोबलेट सेल्स पे जाकर के काम करती है और म्यूकस सिक्रीशन को इंक्रीज करा देती है इंटरल्यूकिन फोर जो होता है वो आई टाइप के बी सेल्स को स्टमुलेट करता है ये ऐसे बी सेल्स होते हैं जो कि कन्वर्ट होते हैं प्लाज्मा सेल्स में और फाइनली आईजीई एंटीबॉडी को सिक्रीट करते हैं और ये आईजीई एंटीबॉडी फाइनली मास्ट सेल्स को स्टूम्यट करते हैं जो इंटरल्यूकिन फाइव रिलीज होता है टी हेल्पर टू सेल से वो इंटरल्यूकिन फाइव डायरेक्टली स्टमलेट करता है

और फाइनली ये डीग्रेन्यूलेशन दैट इज ग्रेन्यूल्स और मेडिएटर्स के रिलीज की वजह से दो तरह के रिएक्शन देखने को मिलती है फर्स्ट इज अर्ली फेज रिएक्शन एंड नेक्स्ट इज लेट फेज रिएक्शन सो अर्ली फेज रिएक्शन जो कि डीग्रेन्युलेशन के बाद स्टार्टिंग के मिनट्स में देखने को मिलता है और लेट फेज रिएक्शन जो कि डीग्रेन्यूलेशन के बाद कुछ कुछ देर के बाद आवर्स के लिए देखने को मिलता है अर्ली फेज रिएक्शन के अंदर सबसे पहले होता है जो मेडिएटर्स रिलीज हो रहे हैं मास सेल और योसिनोफिल्स से वो सबसे पहले सब एपिथेलियल वेगल स्टूबुलेशन कर देते हैं और वेगस नर्व क्योंकि एक पैरासिम्पेथेटिक नर्व है जो कि स्मूथ मसल्स का कॉन्स्ट्रक्शन करवाता है जिस वजह से फाइनली ब्रोंको कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है इस डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं कि ये मास सेल्स हैं और ये इोसिनोफिल्स हैं जिनका स्टुबुलेशन हो चुका है और ये इनका डिग्रेनुलेशन होता है जिस वजह से इनसे बहुत सारे मेडिएटर्स रिलीज हो रहे हैं ये जो मास सेल और ब्रॉ और ये जो योसोनोफिल्स हैं ये फाइनली मेडिएटर्स रिलीज करके ये जो सब एपिथीलियल प्रेजेंट वेगल सेल्स वेगल नर्व होती है उनको स्टूमुलेट करते हैं ये एपिथीलियम के जस्ट अंडर प्रेजेंट वेगल नर्व का जब स्टूमुलेशन होता है तो फाइनली ये एफरेंट वेगल नर्व जब स्टूमुलेट होती है तो फिर ईफरेंट वेगल नर्व के थ्रू फाइनली ब्रोंकियल वाल के अंदर प्रेजेंट स्मूथ मसल्स का ये कॉन्स्ट्रक्शन करवाती है तो जिस वजह से फाइनली ब्रोंको कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है साथ ही साथ ये मेडिएटर्स म्यूकस प्रोडक्शन भी इंक्रीज करवा देते हैं जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है कि गोबलेट सेल्स जो यहाँ पे प्रेजेंट होंगी एपिथीलियम में उनके थ्रू ये योसिनोफेल और मास सेल से निकलने वाले मेडिएटर्स उनके थ्रू म्यूकस का प्रोडक्शन भी इंक्रीज करवा देंगे इसके साथ साथ यही मेडिएटर्स वेस्ो और वेस्कुलर प्रमिबिलिटी को भी इंक्रीज करवा देते हैं जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है लेट फेज रिएक्शन जो कि आवर्स के लिए देखने को मिलता है आवर्स के बाद देखने को मिलता है इसके अंदर मेनली रिक्रूटमेंट ऑफ द ल्यूकोसाइट्स, जिसमें मेनली यूसिनोफिल न्यूट्रोफिल और टी सेल्स का रिक्रूटमेंट देखने को मिलता है जो कि आवर्स आफ्टर द आवर्स आफ्टर डी ग्रेनुलेशन देखने को मिलता है सो so, यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि जो ब्लड वेसल्स थे इससे ल्यूकोसाइट्स बाहर की तरफ आ रहे हैं जिसमें मेनली यूसोनोफिल्स न्यूट्रोफिल्स और टी सेल्स जिसमें मेनली टी हेल्पर टू सेल्स होते हैं और ये फाइनली इनका रिक्रूटमेंट होता है इसमें से यूसोनोफिल्स मोस्टली बाहर की तरफ दैट इज एयरवे में एयरवे में एयरवे के ल्यूमेन की तरफ भी मूव करता है सो so, ये था अर्ली फेज रिएक्शन एंड लेट फेज रिएक्शन अब हम लोग को ये देखना है कि ये जो जितने भी सेल्स हैं वो अपना फंक्शन परफॉर्म कैसे कर रहे हैं थ्रू मेडिएटर्स मतलब ये जो मास सेल था यूसोनोफिल्स था ये डिफरेंट चीज़ों को स्टमुलेट कर रहे थे वो कैसे कर रहे थे थ्रू मेडिएटर्स तो कौन कौन से मेडिएटर्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं ये हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं तो मेडिएटर्स में सबसे पहले सबसे मोस्ट कॉमन तीन मेडिएटर्स होते हैं फर्स्ट वन इज ल्यूकोट्राइन्स ल्यूकोट्राइन्स में लीक्यूट्राइन सी फोर एंड ई ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिएटर होता है जो कि अपना रोल प्ले करता है ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन वस्कुलर परमीबिलिटी को इंक्रीज करने में और म्यूकस सिक्रीशन को इंक्रीज करने में सेकेंड मेडिएटर होता है एसिटलकोलिन जो कि रिलीज होता है पैरासिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम दैट इज वेगल नर्व के थ्रू जो कि स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है थर्ड मेडिएटर होता है गैलेक्टिन टेन जिसको हम लोग गैल टेन से रिप्रेजेंट करते हैं ये गैलेक्टिन टेन या फिर गैल टेन मेडिएटर जो है वो योसोनिफिल सिक्रीट करता है और ये जो गैलेक्टिन टेन या फिर गैल टेन जो होता है ये फाइनली फॉर्म करता है चारकॉट लेडन क्रिस्टल्स इन द स्पूटम इस तरह के कुछ क्रिस्टल्स लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं स्पूटम में जो कि गैलेक्टिन टेन की वजह से देखने को मिलते हैं ये तो मेजर तीन तरह के मेडिएटर्स थे जो कि ब्रांकेल अस्थमा में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे कुछ माइनर मेडिएटर्स भी एट द सीन ऑफ क्राइम प्रेजेंट होते हैं जिसमें से हिस्टेमिन होता है जो कि ब्रोंको कंस्ट्रक्शन परफॉर्म करता है प्रोस्टाग्लैंडिन डी टू होता है जो कि ब्रोंको कंस्ट्रक्शन एंड वेसोडाइलेशन परफॉर्म करता है और प्लेटलेट एग्रीगेटिंग फैक्टर दैट इज पी ए एफ होता है जो कि प्लेटलेट एग्रीगेशन परफॉर्म करता है सो दिज वेर द मेडिएटर्स एंड दिस वॉज एक्चुअली द पैथोजेनेसिस ऑफ द मेनली ऑफ ए टॉपिक आजमा इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ द ब्रोंकियल आजमा कमिंग टू द मॉर्फोलॉजी ऑफ द ब्रोंकियल आजमा मॉर्फोलॉजी ऑफ द ब्रोंकियल ब्रोंकेलाजमा को हम लोग मेनली तीन पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम लोग जब ग्रॉसली देखेंगे तो देयर विल बी द ऑक्लूजन ऑफ द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स बाय टेनेशियस म्यूकस प्लग ऑब्वियसली म्यूकस सिक्रीशन बहुत ज्यादा हो रहा है तो म्यूकस प्लग का दैट इज थिक टेनेशियस म्यूकस प्लग का फॉर्मेशन होगा जो कि ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स को ऑक्लूड कर देगा सेकेंड हिस्ट्रोलॉजिकली हम लोगों को एयरवे रिमॉडलिंग देखने को मिलेगा मतलब जो नॉर्मल एयरवे होता है उससे एक नए टाइप का एयरवे देखने को मिलेगा जो कि एक री एयरवे होगा ये जो रीमॉडल्ड एयरवे होगा इसके अंदर क्या क्या फीचर्स होंगी फर्स्ट इज द थिकनिंग ऑफ द एयरवे वॉल मतलब ये एक नॉर्मल एयरवे है जिसके अंदर ये नॉर्मल गोबलेट सेल है ये म्यूकस जो कि नॉर्मल नॉर्मल अमाउंट में म्यूकस प्रेजेंट होता है ये एपिथीलियम है लेमिना प्रोप्रिया है जिसके अंदर कुछ थोड़े बहुत न्यूट्रोफिल्स और बेसोफिल्स प्रेजेंट होते हैं उसके बाद फिर ये ब्लड वेसल्स है जो कि लेमिना प्रोप्रिया के अंदर प्रेजेंट होगा स्मूथ मसल होता है लैंड्स होते हैं और कार्टिलेज होता है ये एक नॉर्मल एयरवे का स्ट्रक्चर होता है रीमॉडल्ड एयरवे के अंदर सबसे पहले तो थिकनिंग ऑफ द एयरवे वॉल हो जाता है हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो वॉल है इसका डायमीटर और ये जो रीमॉडल्ड वॉल है उसका यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डायमीटर तो ऑब्वियसली ये इंक्रीज हो गया है सो so फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि टोटल एयर वॉल का थिकनिंग हो गया है और क्या क्या होता है इसके अंदर गोबलेट सेल्स का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है इस पूरे डायग्राम के अंदर हम लोग टोटल एक गोबलेट सेल अप्रिशिएट कर सकते हैं वाइल इसके अंदर हमें चार गोबलेट सेल देख रहे हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि इसके अंदर गोबलेट सेल्स का नंबर इंक्रीज हो गया है इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन देखने को मिलता है गोबलेट सेल जो कि म्यूकस प्रोड्यूस करेगा इसके अंदर म्यूकस बहुत ही कम अमाउंट में सिक्रीट होता है जबकि जो अब री एयरवे होता है उसके अंदर जो म्यूकस होगा उसका सिक्रीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा नेक्स्ट हम लोग को देखने को मिलता है सब बेसमेंट मेम्ब्रेन फाइब्रोसिस ये जो एपिथीलियम के जस्ट नीचे ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है नॉर्मल एयरवे के अंदर ये थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है बट रीमॉडल्ड एयरवे के अंदर इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर फाइब्रोसिस हो जाता है जिस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि सब बेसमेंट मेम्ब्रेन फाइब्रोसिस हो जाता है नेक्स्ट जो हम लोगों को फीचर देखने को मिलता है रीमॉडल्ड एयरवे वे में दैट इज योसिनोफिलिया मतलब ये जो लैमिना प्रोप्रिया है उसके अंदर यूसिनोफिल यूसिनोफिल के साथ साथ मैक्रोफेजेस मास सेल्स न्यूट्रोफिल्स इन सब का इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है लैमिना प्रोप्रिया के अंदर नेक्स्ट इज हाइपर ट्रोफी एंड हाइपर प्लेजी ऑफ द स्मूथ मसल नॉर्मल अमाउंट में स्मूथ वेसल जो कि नॉर्मल एयरवे में प्रेजेंट होता था उससे ज़्यादा अमाउंट में और उससे ज़्यादा थिक एंड स्मूथ मसल्स देखने को मिलता है मतलब एक्चुअली में हाइपर ट्रोफी एंड हाइपर प्लीजियो ऑफ द स्मूथ मसल देखने को मिलता है हम लोगों को री मॉडल्ड एयर के अंदर नेक्स्ट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ साइज नंबर एंड साइज ऑफ सब म्यूकोसल ग्लैंड सब म्यूकोसल ग्लैंड जो कि नॉर्मल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं नॉर्मल एयरवे के अंदर रीमॉडल्ड एयर वे के अंदर इनका नंबर और साइज़ दोनों इंक्रीज हो जाता है नेक्स्ट इज इंक्रीज वेस्कुलैरिटी इसमें जो ब्लड वेसल्स का जो सप्लाई होता है और जो इसकी वेस्कुलैरिटी होती है नॉर्मल एयरवे की उससे ज़्यादा वेस्कुलैरिटी हो जाती है रीमॉडल्ड एयर वे की सो फाइनली हिस्ट्रोलॉजिकल फाइंडिंग में हम लोग कह सकते हैं कि ग्रॉसली हम लोगों को क्या देखने को मिलता है पूरा का पूरा एयरवे जो होता है वो रीमॉडल्ड हो जाता है दैट इज एयरवे रिमॉडलिंग एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखने को मिलता है हम लोगों को मॉर्फोलॉजी ऑफ द ब्राउन के के अंदर ये दो चीज़ों के बाद जो तीसरा चीज हम लोग देखते हैं दैट इज स्पूटम स्पूटम के अंदर हम लोगों को मेनली तीन चीजें देखने को मिलता है कर्शमैन स्पायरल्स देखने को मिलते हैं न्यूमरस यूसोनोफिल्स देखने को मिलते हैं और चारकोट लेडन क्रिस्टल्स देखने को मिलते हैं चारकोट लेडन क्रिस्टल्स हम लोगों को पता है गैलेक्टिन टेन दैट इज गैल फॉर्म करता है चारकोट लेडन क्रिस्टल्स को जो कि हमने पैथोजेनेसिस में डिस्कस किया था न्यूमरस यूसनोफिल्स देखने को मिलेंगे हमें पता है कि लेट फेज के अंदर यूसनोफिल्स का रिक्रूटमेंट होता है यूसनोफिल का रिक्रूटमेंट होगा तो वो फाइनली एयरवे के ल्यूमेन में पहुंचेगा और फाइनली वो स्पूटम में अपीयर हो जाएगा कर्शमेन स्पायरल्स देखने को मिलते हैं कर्शमेन स्पायरल्स कुछ नहीं होते दीज आर स्पायरल शेप्ड म्यूकस प्लग्स ये जो म्यूकस का प्लग होता है वो स्पाइरल शेप देखने को मिलता है इस तरह से दीज आर द स्पाइरल शेप्ड म्यूकस प्लग जिसको हम लोग कर्शमैन स्पाइरल्स कहते हैं ये कुछ नहीं है म्यूकस का ही प्लग है जो कि स्पाइरली अरेंजड हो गया है इसी को हम लोग कर्शमैन स्पाइरल्स कहते हैं फिर हम लोगों को न्यूमरस यूसोनिफल्स देखने को मिलेंगे और इस तरह के हम लोगों को चारकोट लेडन क्रिस्टल्स देखने को मिलेंगे स्पूटम के अंदर तो नॉर्मली ग्रॉसली हम लोग स्पूटम ऐसा देख सकते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ द ब्राउन के के अंदर नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द ब्रोंकियल ब्रॉन्के कमिंग टू द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द ब्रोंकियल आजमा क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द ब्रोंकियल आजमा को हम लोग डेफिनेशन में इंक्लूड कर चुके हैं ये मेनली इंक्लूड करता है वीजिंग शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ चेस्ट टाइटनेस एंड कफ ये मेन क्लिनिकल फीचर फीचर्स होते हैं ब्रोंकेल आजमा के और ये जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं ब्रोंगेल आजमा के ये ज़्यादा वर्स हो जाते हैं एट नाइट और अर्ली मॉर्निंग तो ये क्लिनिकल फीचर्स हैं ब्रोंगेल आजमा के एक और टर्म होता है दैट इज स्टेटस एस्थमेटिकस स्टेटस एस्थमेटिकस जो होता है ये मोर्ट मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ द आजमा होता है जिसके अंदर सीवियर एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है दैट लीड्स टू द सीवियर साइनोसिस एंड इट कैन इवन लीड टू डेथ मतलब ये जो आसमा को आजमा का ये एक मोस्ट सीवियर फॉर्म है जिसके अंदर ये जो एक्सपायरेटरी एयर फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन है वो इतना ज़्यादा सीवियर हो जाता है कि पर्सन के अंदर साइनोसिस का डेवलपमेंट हो सकता है और पर्सन की इवन डेथ भी हो सकती है दिस इज स्टेटस एसमेटिक एजमेटिकस दैट इज द मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ द आसमा सो दिस वॉज द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द आजमा इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल आजमा कमिंग टू द डायग्नोसिस ऑफ द ब्रॉन्केल आजमा अ पर्सन विथ इंक्रीज इन एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन डिफिकल्टी इन एक्जलेशन पेरीफ्रल ब्लड स्मीयर शोइंग यूसिनोफीलिया एंड स्पूटम कंटेनिंग कर्शमैन स्पायरल्स यूसिनोफिल्स एंड चारकोट लेडन क्रिस्टल्स इस पर्सन को हम लोग सस्पेक्टेड केस ऑफ ब्रॉकेल आजमा डायग्नोज कर सकते हैं ट्रीटमेंट इंक्लूड्स ब्रोंकोडाइलेटर्स कॉटिकोस्टोरॉइड्स लीकोट्राइन एंटाकोनिक्स ये सब हम लोग ट्रीटमेंट के फॉर्म में ब्रोंकेल आजमा के पेशेंट को देते हैं सो दिस वॉज ऑल अबाउट ब्रोंकेल आजमा If you like this video, please hit the like button. Do share with your friends and please subscribe our channel and press the bell icon to get notifications for more such videos. If you want notes for this video, message me on my Instagram handle. Link is given in the description below. Thank you.